कितना स्पेशल है आप लोगों के लिए? देखो मैं तो पुणे से आता हूँ, पुणे में डब्लू शेप मंदिर है, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल. इस बार मैं घर नहीं जा पाया, बट यस वी डिसाइडेड कि संदीप सर ने इनवाइट किया है तो चलो चलते हैं. और मुझे हरीशल क्या फेमस है? मोदक. मैंने अब तक तो बस मोदक तो खा लिए. मैंने उकड़ी चम मोदक अगर कोई बना रहा है घर में तो प्लीज भेज देना. जस्ट डीएम, हम एड्रेस भेज देंगे. हैव यू एवर विजिटेड दगडूशेट? यस आई हैव बीन टू दगडूशेट. अच्छा. एंड हाल ही में आप लोग का प्रोजेक्ट आया था, काफी अच्छा चला. अब पीपल आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट. कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? स्टिल जैसे कंफर्म हो जाए मैं आपको बता दूंगा. एंड आप कुछ बताना चाहोगे? काश हम बता पाते. बड़ा जब तक चीजें कंफर्म नहीं होती ना तब तक वो कांट, बिकॉज़ देयर आर टाइम्स व्हेन सब कुछ सेट हो जाता है बट बाद में पता चलता है कि वी आर नॉट गोइंग ऑन फ्लोर और थिंग्स लाइक दैट. सब के नहीं बारिश होगी. श्योर भगवान भी कह रहे हैं. यस सर. यू स्टार्टेड योर ओन प्रोडक्शन हाउस, तो कैसा लग रहा है प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करके? कैसा फील हो रहा है? बहुत ही खुशी है और बहुत सारा काम है, तो जैसे काम होते रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा जो भी अपडेट्स आपको देते रहूँगा. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ बताना चाहोगे? साथ में नहीं, अलग अलग कुछ आपकी मूवी आने वाली है? सब कुछ पता चलेगा, अभी नहीं, टाइम है. आपकी को स्टार है जो सिस्टर बनी हुई है, बहुत प्यार करते हैं, शी इज ऑल्सो डूइंग अ मेन लीड इन न्यू शो, तो क्या कहना चाहो? क्या आप देख रहे हैं, आप लोग वो शो को देखते हैं जो भी संदीप सर का शो है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सीन अ फ्यू एपिसोड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फॉर सायली, बिकॉज सायली ने एक कैरेक्टर किया था मेहंदी में एंड नाउ शी इज अ लीड रोल एंड इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड डेवलपमेंट फॉर द एक्टर्स पोर्टफोलियो ऑल्सो. इट्स अ गुड थिंग. यार शो हो या ना हो, हम लोग पिछले 11 साल से दोस्त हैं, दोस्त दोस्ती के लिहाज से पहले आना बनता है, तो दोस्ती है, प्यार है, इसलिए आए हैं. सर गणपति जी की बात की जाए तो गणपति जी है, विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो मतलब कि गणपति जी के अलावा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके प्रॉब्लम एटलीस्ट सुन सकते हैं? बिल्कुल है, मेरे माँ बाप हैं वो हमेशा सुनते हैं, मेरी वाइफ है वो बहुत हेल्प करती हैं जब भी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो कोई ना कोई हमारी फैमिली में तो हमेशा होता ही है, पहले तो भगवान होते हैं उसके बाद तो फैमिली आती है. शो को लेकर किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं सर, कुछ कहना चाहोगे लोगों की तरह से? सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा होती है, आप क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया पे किस तरह की? देखिए शो का, देखिए टीवी शोज़ का तो मैं जनरली ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन सैंडी के शोज़ का एक है कि सैंडी हमेशा बहुत ही अलग और डिफरेंट शोज़ बनाता है, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सैंडी के कोई ना कोई शो का मैं हिस्सा बनूं, एंड लकीली पिछले 10 साल में मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 3 शोज़ तो किए हैं सैंडी के साथ, तो सैंडी के शोज़ बहुत अलग होते हैं और बहुत अच्छा लगता है उसके शोज़ का पार्ट होना. वेरी गुड, थैंक यू, हैप्पी गणेश चतुर्थी. और अगर हम बात करें आप दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है, तो क्या कहना चाहोगे? वेयर आर यू गेटिंग मैरिड बोथ ऑफ यू? मैरिड तो अभी नहीं यार, कितना कॉमन सवाल पूछा आपने. अभी मैं क्या पूछूं? फिल्म फिल्म की कोई तैयारी है कोई ऑडिशन? हां मौर्य, तो सब लोग को बहुत सारी खुशियाँ मिले, मदद मिले. अरे बचपन में मैंने मोदक बहुत खाए हैं और बनाने की कोशिश भी की है, उसमें मैं एकदम फेल हुआ. फिर मुझे किसी ने, मेरी नानी ने मुझे कहा था कि बस एक लड्डू बनाओ उससे पकड़ लो ऊपर से उसकी गर्दन से, मोदक बन जाता है. करणवीर सर, फिल्म्स की बात की जाए तो आप फिल्म भी कर रहे हैं प्लस टेलीविजन भी कर रहे हैं, तो कितना वेब सीरीज वेब सीरीज सॉरी हाँ तो अच्छा होता है ना, कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, उसके क्या बात करूँगा उसकी बात. थर्सडे को 25 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं सर, बहुत बड़ी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, क्या कहना चाहो, किस तरह से ये रिकॉर्ड को देखते हो सर? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड. तो अभी निकलते हैं, सॉरी आज थोड़ा मैं. सर मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, डू यू थिंक योर फैन बेस आर मोर ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नाउअडेज, जिस तरह थर्सडे को प्यार मिला है,
मेरे फैन बेस तो आप लोग हैं यार, आप लोग इतना प्यार करते हैं ऑफ कैमरा, आई थिंक दैट इज माय ट्रू फैन बेस। थैंक यू सो मच। आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? वो ना वाइट हो रहा मैं क्या बोलूँ, खुशी बताते नहीं हो रही, मैं शूटिंग से हूँ, मुझे बर्दाश्त हो रही है। तो अमेज़न प्राइम भी यहाँ है, नेटफ्लिक्स भी यहाँ है और सब प्राइम भी यहाँ है, कैसा लगा? नेटफ्लिक्स नहीं, स्टार बार है। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैं सालों से वेट कर रहा था संदीप सर मुझे क्वेश्चन के लिए, क्या मिस कर रहे हो आप सालों से? अरे यार मैं तो गैदरिंग सारी मिस कर रहा था जब हमारे घर पे। बाय बाय। चलिए सर, आप गणपति जी से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं? पापा से तो हर कोई बहुत प्यार करता है और पूरे बिलीफ सिस्टम के साथ हमें मानते हैं कि वो कितना होता है। तो हमारी आप सब की ये जो कोरोना काल की सब पूरी दुनिया भर की स्ट्रेस रही है, वो ये सब वो सॉल्व कर दें। संदीप जी के बारे में क्या कहना? संदीप सर तो मेरे 49 ईयर है उनके, गणपति का मतलब जी, बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही डेडिकेशन, मेरे हिसाब से बहुत ही कमिटमेंट चाहिए होती है किसी भी एक इंडिविजुअल में इस तरह पापा को स्थापित करने की और सबको बुला के दर्शन करवाने की। मेरी मॉम भी करती हैं तो मैंने देखा है पिछले 10-15 सालों से, सो हैट्स ऑफ टू हिम कि वो करते आए हैं और हम सबको बुलाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। बारे में क्या कहना चाहोगे? वेल, किस तरह की फीलिंग होती है? मैंने हमेशा से कहा है कॉन्टेंट मेक्स द आर्टिस्ट शाइन, और संदीप सर जब भी कुछ अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, मैं बहुत लकी हूँ मुझे कंसिडर करते हैं, और अच्छे अच्छे रोल्स लिखते हैं मेरे लिए, इतने कूल कपड़े देते हैं, देखिए हेयर स्टाइल शूटिंग से बनवा। सो थैंक यू संदीप सर, आई होप आप इसी तरह मुझसे भी बहुत प्यार करते रहें। इसके अलावा पापा को हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, आपके लाइफ में विघ्नहर्ता कौन है? देखिए मेरे लिए तो पेरेंट्स ही हमेशा से विघ्नहर्ता रहे हैं, उन्होंने ही मुझे हर चीज़ सिखाई है, और पापा से लेकर मतलब जो पापा का भी कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे पेरेंट्स ने ही सिखाया है, तो मेरे लिए मॉम और डैड ही विघ्नहर्ता रहे। सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? आने के अभी चल रहा है, आई होप यही चले 5 साल, टीवी शो कर रहा है यार अभी फिलहाल, कोई और नहीं आ रहा है, ये टीवी चल रहा है, आई होप ये 5 साल चले, 5 साल 10 साल 10 साल चले, 20 साल चले। और थैंक यू तुर्ती की गणेश उत्सव की बहुत बधाइयाँ। और किस तरह से देखते हो पिछला 2 साल काफी डीप था हमारे लिए, अब मुंबई की एनर्जी काफी हाई है, इस आई थिंक गणेश चतुर्थी पे तो बॉम्बे में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं आ सकता। मैं दिल्ली रह ली हूँ, जयपुर रह ली हूँ, इन लोग इनके फर्स्ट टाइम है, तो मैं 2 साल से एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो अब फाइनली मौका मिला है। ये संदीप सर के आने का भी एक ट्रेडिशन है जो हम बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, एंड फाइनली 49 बहुत साल से, जब से सर से जुड़ी हुई हूँ तब से। मैम कहते हैं कि गणपति जो है विघ्नहर्ता होता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप लोग की लाइफ में ऐसा कौन है गणपति के अलावा जो विघ्नहर्ता है? एक्चुअली हमारे वेलविशर्स हैं, हमारे इनके फैंस हैं, और जितने भी हम लोग के क्लोज रिलेटिव्स हैं जो हम लोग को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, वही लोग हैं जिनकी बदौलत हम लोग हर चीज़ अजीब कर पाते हैं उनकी दुआओं की वजह से। ये मोहब्बत की काश को, ये मोहब्बत सीरियल को कितना मिस कर पाते हो, हम काफी ज्यादा मिस कर पाते हैं घर पे बैठे हुए। मैं मिस नहीं करती क्योंकि मैं उनसे मिलती रहती हूँ, मैं ऑलमोस्ट सबके टच में हूँ थैंकफुली, मतलब मैंने सुना था शोज करने के बाद लोग भूल जाते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच, दिव्यांका अली सबका टच में हूँ, और अब हम भी जानते हैं उन सबको, तो और ज्यादा मजा। अली जी का नया गाना आया है अभी हाल ही में जस्मीन, आपने देखा वो गाना? कैसा लगा? काफी समय बाद गाना आया, 1 साल के बाद बहुत अच्छा लगा, मतलब उसकी तो जो भी अचीवमेंट है उसको हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, इट्स ऑलवेज गुड। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? आई एम डूइंग बहुत प्यार करते हैं एज ऑफ नाउ, और मेरा पूरा फोकस अभी वहीं है, सब लोग दर्शकों को ये रिक्वेस्ट है प्लीज ये नया शो देखें और पसंद करें और देखते रहें। थैंक यू। आने में कुछ आने वाला साथ में प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल तो बहुत प्यार करते हैं कर रहे हैं, तो फिलहाल तो वही देखिए, और कुछ है सीक्रेट वो धीरे धीरे खुलेगा। थैंक यू। भाई वायर निकाल दे। चलो चलो चलो, बहुत प्यार। आप लोग से जानना चाहेंगे सबसे पहले जो है, आप लोग यहाँ पे आए हैं संदीप जी के घर
मैं एक्साइटेड हूँ अभी, बस सर ऊपर से देख रहे हैं, एक हमें बोला है ऊपर से हिंट दिया है कि ऊपर आओ जल्दी फटाफट, एंड मेरा भी फर्स्ट टाइम आई थिंक साइली के साथ, एंड मजा आएगा काफी, इट्स गोना बी फन। सैली जी बहुत प्यार करते हो, काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे बहुत प्यार देखो बहुत प्यार करते हैं को बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए और हम भी आपसे बहुत प्यार। आप क्या कहना चाहोगे शो के बारे में? हम तो ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं शो से, एंड हमारी सैली से भी ऑफकोर्स, ये मेरी बहन प्ले कर रही थी स्पाई बहू में, एंड इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो तो है। इसके अलावा गणपति जी की कोई यादें, बचपन की यादें कुछ बताना चाहोगे, मोदक को लेके कोई यादें? मोदक की तो नहीं, मेरी परसों की याद है, मैंने बहुत डांस किया विसर्जन में, मेरे बचपन के फ्रेंड के गणपति का विसर्जन था तो पुनेरी ढोल आया था, 15 ढोल थे लाइन से, बाहर डांस किया और पता नहीं क्या क्या किया है, तो दैट वाज फन। आप कुछ बताना चाहोगे? मेरी दादी हमेशा कहती है कि बप्पा का जब विसर्जन होता है ना तो हमेशा बप्पा की आंखें ना भरी होती है। करेक्ट, या तो I don't know, मुझे I don't enjoy विसर्जन। Definitely you can't, and मैं कभी नहीं enjoy करती। Definitely दिखते हैं यार वो तो, I'm sure मैंने भी देखा है, and हमेशा notice करना हर साल जब भी पापा जाते हैं 11वें दिन पे बारिश होती होती है, मतलब वो रोना होता ही होता है। Next week कहा जाता है कि गणपति जो है विघ्नहर्ता है, मजाक कर रहा हूँ, बट मेरी लाइफ में तो मेरी मॉम है। Done? Thank you so much. Thank you. Thank you.